नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले प्रणव सिंघल अब प्लेबैक सिंगर बन गए हैं। करनाल में उनका ननिहाल है, लिहाजा करनाल में रहने वाले उनके मामा सचिन ने अपने भांजे के प्लेबैक सिंगर बनने के बाद कहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ प्रणव ने करनाल का नाम भी रोशन किया है। प्रणव फिलहाल 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, फरवरी में उनके पेपर होने हैं। प्रणव की मां कविता सिंगल का कहना है कि प्रणव दो प्रदेशों का नाम रोशन कर रहा है। प्रणव बड़े पर्दे पर फरवरी में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म सौम्या गणेश में दो गीत गाने जा रहे हैं। इसके अलावा मई जून में आने वाली फिल्म सॉरी आई एम लेट फिल्म में भी गाए जाने वाले गीतों में प्रणव अपनी आवाज दे रहे हैं। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मोंटी शर्मा है। सॉरी आई एम लेट फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का बेटा अभिनय कर रहा है। इससे पहले प्रणव मुंबई में द वॉइस किड शो में भी अपनी गायकी दे चुके हैं। प्रणव कई शो भी कर चुके हैं और अब उनकी पहचान उत्तराखंड के गोल्डन वॉइस के तौर पर बन गई है। लेकिन प्रणव के ननिहाल के लोग भी कम खुश नहीं हैं। अभी पिछले ही दिनों ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में निफा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रणव को सम्मानित भी किया था। मुख्यमंत्री को बताया गया था कि प्रणव की ननिहाल करनाल है, तब मुख्यमंत्री भी खुश हुए थे और उन्होंने प्रणव की पीठ भी थपथपाई थी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर भी प्रणव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने प्रणव को गायकी और सुर के कुछ गुण भी बताए और उन्हें मुंबई आने का न्योता भी दिया था। कुछ समय पहले प्रणव समाचार एक्सप्रेस के स्टूडियो में अपना लाइव इंटरव्यू देने पहुंचे थे। समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला ने खुद उनका लाइव शो किया था। इस इंटरव्यू को 45,000 से भी अधिक लोगों ने देखा था। समाचार एक्सप्रेस पर लाइव इंटरव्यू के बाद मुंबई से प्रणव को कॉल आई थी। उन्हें बॉलीवुड में गीत गाए जाने को लेकर बुलाया गया था। पिछले महीने ही प्रणव मुंबई में अपना गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए गए थे। हालांकि जनवरी में उन्हें फिर मुंबई जाना होगा जहां उनका गीत रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रणव की मां कविता सिंगल का कहना है कि उन्हें और उनके पति को भी संगीत का शौक था, लेकिन वह अपना शौक पूरा नहीं कर पाए। लिहाजा जब उन्होंने प्रणव के गले में जब आवाज का जादू देखा तो उन्होंने फैसला किया कि प्रणव जिस संगीत का शौक रखता है वह हर हाल में प्रणव के शौक को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। कविता सिंगल ने बताया कि प्रणव ने प्लेबैक सिंगर बनने के लिए कड़ी मेहनत और अथक रियाज किया है। उन्हें यकीन था कि प्रणव एक ना एक दिन प्लेबैक सिंगर जरूर बनेगा। कविता सिंगल ने वेब चैनल समाचार एक्सप्रेस का आभार प्रकट करते हुए यह कहा कि कहीं ना कहीं समाचार एक्सप्रेस ने प्रणव को बड़ा सपोर्ट दिया है। 12वीं के पेपर देने के बाद प्रणव फिर से करनाल आएगा। बहरहाल प्रणव के प्लेबैक सिंगर बन जाने के बाद प्रणव के ननिहाल में मिठाई बांटी जा रही है। करनाल में भी प्रणव की सफलता को देखते हुए उसे सम्मानित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। तरावड़ी में भी उनके सम्मान को लेकर जल्द ही उनका कार्यक्रम रखा जा रहा है। कुछ भी हो, प्रणव ने अपनी मेहनत और तपस्या के बल पर उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। प्रणव ने साबित कर दिया है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, यदि आप में जज्बा और जुनून है तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपको दिखाते हैं प्रणव सिंगल का वह इंटरव्यू जब करनाल स्थित समाचार एक्सप्रेस में लाइव इंटरव्यू देने आए थे। तब समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला के साथ उन्होंने किस तरह से बात की थी और उन्होंने कौन कौन से गीत गुनगुनाए थे, यह भी आपको दिखाएंगे। यदि आपको प्रणव की आवाज अच्छी लगे तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस किड्स 2015 में आपको मुंबई में गाने का मौका मिला, हालांकि फिल्म का गीत है, लेकिन जो आपकी आवाज है बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप इसके अलावा, आप क्योंकि समय प्रणव कुछ ज्यादा हो गया तो एक गीत मैं और चाहूंगा दर्शकों के लिए आप गाएं, कौन सा गाएंगे वो आप डिसाइड कीजिए। जी, अब मैं जो गीत गाने जा रहा हूँ वो देशभक्ति गाना है जी, वेरी गुड, जो अभी रिलीज किया है हमने हार्मनी 2019 में जी। और ये गाना भी मेरे सर ने ही लिखा है, नवीन जी, गुरु जी, जी जी, और म्यूजिक भी उन्हीं का ही है जी, और आवाज मैंने दी है इस गाने में जी, जिसमें मेरी फैमिली का कोरस भी है इस गाने में, आप सुनने को मिलेगा मेरे पापा की आवाज और मम्मी की आवाज और मेरी आवाज कोरस में, और जो मेन जो गीत जो मेन जो गायकी जो दी है वो मैंने दी है। तो अब जागेगा हिंदुस्तान, अब जागेगा हिंदुस्तान। अपना तिरंगा
जाएगा, जागेगा ये हिंदुस्तान और आएगी आएगी आजादी, अब जागेगा ये हिंदुस्तान और छाएगी छाएगी आजादी। हाथों में तिरंगा लेके घर से जो निकल जाते हैं, ये हर तूफानों में आशा के दीप जला सकते हैं, आजादी के परवाने हैं ये जा लुटा भी सकते हैं। अब जागेगा ये हिंदुस्तान और आएगी आएगी आजादी, अब जागेगा ये हिंदुस्तान और छाएगी छाएगी आजादी। आजादी पाएंगे दिल में चाहते हैं, आजाद हिंद होगा बस एक यही तो हसरत है, कुर्बानी हो जाए दुश्मन से लड़ जाए, धरती पे जान लुटा दे जो कामिल वही शहादत है। अपना तिरंगा लहराएगा अपना तिरंगा लहराएगा, सच होगा अब ये सपना, अपना गुलशन खिल जाएगा जब आएगी आएगी आजादी। अब जागेगा ये हिंदुस्तान और छाएगी छाएगी आजादी। हाथों में तिरंगा लेके घर से जो निकल जाते हैं, ये हर तूफानों में आशा के दीप जला सकते हैं, आजादी के परवाने हैं ये जा लुटा भी सकते हैं। अब जागेगा ये हिंदुस्तान और आएगी आएगी आजादी, अब जागेगा ये हिंदुस्तान और छाएगी छाएगी आजादी। तो ये था खास मुलाकात कार्यक्रम समाचार एक्सप्रेस के स्टूडियो में हरिद्वार रुड़की से पहुंचे प्रणव सिंघल और उनकी माता श्री कविता सिंघल जी। राहुल सिंघल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके तो घर में संगीत की बिहार बह रही है, और कभी मौका मिला तो राहुल जी आप सुन रहे होंगे आप भी स्टूडियो में जुड़ रही है, आपके भी गले की आवाज़ को हम जरूर चेक करेंगे, और क्योंकि सुना है कि आप भी चोरी छिपे कविता जी को गाने सुनाते रहे, हम भी जरूर सुनेंगे। तो कैसा लगा आपको खास मुलाकात का खास कार्यक्रम, कैसी लगी आपको प्रणव की आवाज और प्रणव की मम्मी कविता की आवाज, जो उन्होंने थोड़े दो शब्द भी गाए भले आपने गीत सुना। तो कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, दिल से धन्यवाद करता हूँ आप इतनी दूर से यहाँ करनाल पहुंचे अपने बेटे प्रणव को लेकर, और आज समाचार एक्सप्रेस की टीम का आप हिस्सा बने, आपने इतना बड़ा हमारे साथ कार्यक्रम किया, अपने जीवन से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, अपने बच्चे के भविष्य से जुड़ी आज बातें बताई, एक शिक्षक के तौर पर जो आपने बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दिया, जैसा कि प्रणव ने भी अपने युवा साथियों को जो संदेश दिया है उस संदेश का जरूर पालन करें आप, और आप प्रणव से सीखिए कि एक बात कि कड़ी मेहनत और संघर्ष से आपको कुछ नहीं मिलता, और जिस तरह से कविता जी ने बताया कि एक बाय चॉइस होती है और दूसरा भी उन्होंने बाय चांस होता है, तो इस तरह का व्यवहार भी आप घर में अपने बच्चों के साथ ना होने दें,
और आप देखिए कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। अगर वो संगीतकार बनना चाहते हैं तो उन्हें संगीत के क्षेत्र में भेजिए, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन्हें संगीतकार मत बनाइए, अगर वो संगीतकार बनना चाहते हैं तो उन्हें बिजनेसमैन मत बनाइए। यानी कि कविता जी का सीधे सीधे संदेश था कि बच्चे को भी आज आजादी है अपना जो टैलेंट है वो सेलेक्ट करने की, वो क्या अपना जीवन चाहता है। तो बहुत बहुत कविता जी आपका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, और खास तौर पर मैं धन्यवाद करूँगा हमारे ओपी वर्मा जी का जो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आज समाचार एक्सप्रेस के कार्यालय में आए, पूरी टीम के साथ आए, केशव व शर्मा जी उनके साथ हैं, बड़ा उन्होंने अच्छा म्यूजिशियन दिया प्रणव के संगीत के साथ साथ बहुत अच्छा संगीत दिया। अगर आपको भी लगता है कि आपने भी कोई कार्यक्रम संगीत का करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओपी वर्मा जी तो एक ऐसे म्यूजिशियन हैं, मतलब ऐसा म्यूजिक कलाकार, म्यूजिक का मतलब ट्रैक बजाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि इनके कार्यक्रम संसद में भी चल चुके हैं, इन्होंने हमें बताया था, और खास तौर पर बड़ी बड़े स्थानों पर, जिस तरह से आपने यूपी के राम बंधुओं का नाम सुना होगा, चार भाइयों का, तो आज जो प्रणव जो आज हमारे जो समाचार एक्सप्रेस कार्यालय में आया वो ओपी वर्मा जी की बदौलत है, उन्होंने बुलाया था। और ओपी वर्मा जी का भी मैं समाचार एक्सप्रेस की तरफ से बड़ा धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने इतना बड़ा टाइम समाचार एक्सप्रेस के साथ एक्सपेंस किया, खर्च किया। तो प्रणव आपको कैसा लगा, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप जरूर अपने दोस्तों को जरूर बताना जी। आपके दोस्तों का भी और आपके गुरुजान गुरु जी और आपने उस्ताद जी बताया नवीन जी, उनका भी बेहद शुक्रिया। जाते जाते आप हमारे समाचार एक्सप्रेस के चैनल के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, प्लीज जरूर बताऊंगा दो शब्द बोले आप। बच्चों की मोरल सपोर्ट पेरेंट्स ही होते हैं जी, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के साथ खड़े रहें और उनका हौसला हमेशा बढ़ाते रहें, उनके टैलेंट को पहचानें और उसी टैलेंट को बढ़ने में मदद करें। बाकी मैं समाचार एक्सप्रेस चैनल का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया और इतना सम्मान इतना प्यार दिया और सबके सामने आने का मौका दिया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें ऐसे बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते आपको ऐसे ही एक संगीत की दुनिया से जाने माने एक नाम होगा, वो हमारे स्टूडियो के बीच में होंगे और उसे लाने वाले होंगे बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ओपी वर्मा जी, वही लाएंगे आपके बीच, उनका भी इस तरह खास मुलाकात कार्यक्रम में इंटरव्यू करेंगे। अब आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि। Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।